वोकल न्यूज शेड्यूल के साथ वॉलेंटियर के तौर पर जुड़ें, रोजगार और प्रशिक्षण का मौका पाएं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। विद्यार्थी परिषद नमस्कार, वोकल न्यूज शेड्यूल में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं बिरसा मुंडा तेराहे पर और आज बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में यहां पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इसी को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से भी एक माल्यार्पण का और एक उनकी जन्म जयंती मनाए जाने का यहां पर कार्यक्रम किया गया। मेरे साथ मौजूद हैं रुनेन जी जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से हैं। इनसे मिलकर हम जानते हैं कि ये जो बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती का समारोह है इनकी तरफ से मनाया जा रहा है, क्या इनके आदर्श हैं, क्या इनके विचार हैं, बिरसा मुंडा जी के आदर्शों को लेकर किस तरह से देश आगे बढ़ सकता है, इन सब विषयों पर हम इनसे बात करते हैं। सर, आज जन्म जयंती है बिरसा मुंडा जी की और महान स्वतंत्रता सेनानी हम सभी जानते हैं, तो इनके आदर्शों पर चलकर ये जो हम जन्म जयंती मना रहे हैं, क्या आपको लगता है कि किस तरीके से समाज में इसका असर पड़ेगा? जी, हम सभी जानते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा को हम भगवान की दृष्टि से देखते हैं और पूछते भी हैं, और हमारे जनजाति समाज के से निकलकर स्वतंत्रता संग्राम में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथ में देश को कैसे एकत्र रखकर एक नई दिशा की ओर मोड़ना है, इसके लिए भगवान बिरसा मुंडा ने अपने समय काल में बहुत बड़ा बलिदान और त्याग दिया था और बहुत ही श्रेष्ठ कार्य किया था। निश्चित ही हमारा पूरा समाज उन्हें अपने आदर्श के रूप में मानता है और हम हमेशा से उन्हें एक जनजाति गौरव के रूप में, हमारे समाज के गौरव के रूप में पूछते आए हैं, मानते आए हैं, उनके आदर्शों पर चलते आए हैं। और अभी बड़े हर्ष का विषय है कि भारत सरकार ने भी भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में हमेशा मनाने के लिए आदेश किया है, जिसका विद्यार्थी परिषद ने खुले मंच से स्वीकार्यता दी है। और हम निश्चित ही, हमें बड़ी खुशी है कि ऐसा सरकार ने फैसला लिया है और हम हर वर्ष जिस प्रकार से इसे हमेशा से मनाते रहे हैं और मनाएंगे, और निश्चित ही हम भगवान बिरसा मुंडा जी के विद्यार्थी परिषद का हर कार्यकर्ता, हर जनजाति समाज के बीच में रहकर काम करने वाला कार्यकर्ता यह जानता है कि भगवान बिरसा मुंडा जी ने किस प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम में हो या समाज को एक नई दिशा में देने के लिए हो काम किया है, और हम हमेशा उनके आदर्शों पर चलने का प्रयत्न करते रहेंगे। सर, आज मध्य प्रदेश में भी एक बृहद कार्यक्रम किया जा रहा है इसी उपलक्ष में और संभवतः प्रधानमंत्री मोदी भी भोपाल पहुंच रहे हैं, तो इस संबंध में आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, और ये बड़े हर्ष का विषय, हम जानते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा जनजाति समाज निवास करता है और उनका इस मध्य प्रदेश के विकास, उन्नति में और स्वतंत्रता संग्राम के समय से पहले से लेकर बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो निश्चित ही ये मध्य प्रदेश के लिए गौरव का विषय है, हम सभी के लिए गौरव का विषय है कि जनजाति गौरव दिवस मनाने के लिए हमारे भारत की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उपस्थित हुए हैं और भोपाल के जम्बूरी मैदान में पूरे मध्य प्रदेश से जनजाति समाज के साथ साथ हर वर्ग का व्यक्ति वहाँ उपस्थित हुआ है और अपने प्रतिनिधित्व के साथ प्रधानमंत्री जी के उद्गारों को सुनेगा और जनजाति समाज के साथ कैसे इस मध्य प्रदेश को एक और नई दिशा दी जा सकती है उसके लिए प्रयत्न करेगा। जी सर, हम ये भी देखते हैं कि बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका राजनीतिकरण करने का भी प्रयास किया जाता है और इसका उदाहरण हमने संभवतः अभी यहीं पर देखा है कि कुछ और लोग भी थे, कुछ और संगठन के, कुछ और पार्टी के, जो इस पूरे कार्यक्रम में भी अपनी शिरकत करना चाह रहे थे और एक तरह का एक तनाव सा उत्पन्न हो गया था इसी स्थल पर। इस पर आपका क्या कहना है? मेरा मानना ये है कि चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी हो, वो चाहे किसी भी उद्देश्य से हो, चाहे अपने राजनीतिक उद्देश्य से हो, चाहे सामाजिक उद्देश्य से हो, यदि भगवान बिरसा मुंडा को पूजने आ रहा है, उनके आदर्शों पर चलने का प्रयत्न कर रहा है, तो वो स्वागत योग्य है। अच्छी बात है कि लोग करें, किसी भी उद्देश्य से एक अच्छा काम हो वो महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर किसी प्रकार के कोई तनाव हमें समझ में नहीं आया है। जो लोग यहाँ उपस्थित थे उन्होंने भी हमारा सहयोग किया, हमने भी उनका सहयोग किया और हमने भी माल्यार्पण किया, उन्होंने भी माल्यार्पण किया। भगवान बिरसा मुंडा को महत्व को समझने के लिए, पूजने के लिए और उन पर माल्यार्पण करने के लिए वो भी उपस्थित हुए थे, हम भी उपस्थित हुए थे, तो दोनों के लिए ये बहुत अच्छी बात है। एक अच्छा काम चाहे जिस उद्देश्य से हो, चाहे राजनीतिक नज़रिए से हो, चाहे सामाजिक नज़रिए से हो, चाहे खेल कूद के नज़रिए से हो, एक अच्छा काम चाहे जिस भी नज़रिए से हो वो महत्वपूर्ण होता है। जी सर, एक अंतिम सवाल मैं पूछना चाह रहा था। अभी आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आपके द्वारा एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता भी कराई गई 13 नवंबर को, इस संबंध में कुछ जानकारी? जी, अभी हम लोगों ने जानते हैं कि ये 75वां वर्ष है आज़ादी का अमृत महोत्सव है, तो समाज में सब लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन विद्यार्थियों के बीच में काम करने का काम विद्यार्थी परिषद का है, AVVP का है, तो हम लोगों ने ऐसी जिम्मेदारी ली कि हम भी विद्यार्थियों के बीच में अपने आज़ादी के अमृत महोत्सव के समय में स्वतंत्रता संग्राम के विषय में लेकर जाएंगे। और इसी के लिए हम लोगों ने एक गांव एक तिरंगा अभियान भी किया था
और उसके बाद अभी हम लोगों ने एक बृहद सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता की थी 13 नवंबर को, उसकी परीक्षा हमने आयोजित की है। पूरे संभाग के 18 केंद्रों में परीक्षाएं संपन्न हुई, जिसमें हमारे पास जो अभी तक डाटा संपन्न हुआ है उसमें 6723 विद्यार्थियों ने अपनी परीक्षाएं दी हैं। अभी हमारे जो प्राध्यापक कार्यकर्ता हैं उनके माध्यम से उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच शुरू है। जाँच होने के पश्चात हम लोगों ने कल शाम को, अभी जाँच पूरी नहीं हुई है, जाँच चल रही है, साथ में कल शाम को हमने जो प्रश्नों के सही उत्तर थे उसकी उत्तर पुस्तिका भी छात्रों के लिए जारी की है, ताकि वो अपना अनुमान लगा सके किसने कितने प्रश्न सही किए हैं। साथ में 20 नवंबर के पहले हम लोग जो है इसकी मेरिट लिस्ट जारी कर देंगे, और जो इसमें स्थान प्राप्त हैं, जो जिनको पुरस्कार प्राप्त होना है, उनकी भी सूची जारी कर देंगे। उसके पश्चात 20 से लेकर 24 के बीच में हम एक तिथि निर्धारित करके अपने शहडोल संभाग केंद्र में भी एक बृहद कार्यक्रम करेंगे, जिसमें हमारे समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति, हमारे पूर्व कार्यकर्ता, विद्यार्थी, समाज, सभी लोग उपस्थित होंगे और एक बृहद सम्मान जो है पुरस्कार सम्मान समारोह करेंगे, जिसमें जिन छात्र छात्राओं ने इसमें स्थान प्राप्त किया, प्रथम स्थान पर 5100 रुपये नगद पुरस्कार है, साथ में प्रमाण पत्र शील्ड है, द्वितीय स्थान में इसी प्रकार 3100 पुरस्कार एवं शील्ड है, तीसरे स्थान पर 2100 रुपये पुरस्कार शील्ड, साथ में जो भी अपने संस्थाओं में भी प्रथम स्थान आएंगे उनको भी हम पुरस्कृत करेंगे। इसके अतिरिक्त 75% जो 75 अंकों के थे उनमें 60 अंकों से ऊपर जो भी प्राप्त करेंगे उन छात्र छात्राओं को भी हम पुरस्कृत करेंगे। तो ऐसी हमारी ये पूरे कार्यक्रम की योजना है, और निश्चित ही हमारा ये कार्यक्रम बृहद रूप में संपन्न होगा, और आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हम जो आज़ादी का महत्व है वो हम निश्चित ही अपने प्रयास के माध्यम से छात्र छात्राओं के बीच में पहुँचाने में सफल हो रहे हैं, और इसका हमारे छात्र छात्राओं से भी बड़ा अच्छा जो है उसमें प्रत्युत्तर प्राप्त हो रहा है, उनका भी बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त हो रहा है, जिससे हमें बड़ा हर्ष है, विद्यार्थी परिषद इसके लिए बड़ा प्रसन्न है। तो ये थे अखिल विद्यार्थी परिषद के सदस्य जो यहाँ पर बिरसा मुंडा जन्म जयंती के समारोह में उपलब्ध थे, और हम ये भी देख रहे थे कि अखिल विद्यार्थी परिषद की तरफ से एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता भी आयोजित कराई गई है और सफल, और उसका एक आयोजन हमने देखा है। हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती के जो कार्यक्रम हैं और उनका जो भी आदर्श हैं उनका सभी लोग पालन करें और इस देश की उन्नति में अपना योगदान दें। धन्यवाद, देखते रहिए वोकल न्यूज़ शहडोल।